जय सियाराम। इतने धीरे से जय सियाराम, जय श्री महाकाल, जय मातम्बे। शंकराचार्य जी के चरणों में नमन करते हुए, मेरे मतलब कितना बड़ा भाग्य मेरा है। कहते हैं ना कि प्रभु को भी ईर्ष्या हो जाए मेरे भाग्य से कि आज मंच पे मैं विराजमान यहाँ खड़ी हूँ। एक तरफ एक पिता है और एक तरफ दूसरे, और आसमान बन के मेरे खुद पिता है जो आज इस धरती पे नहीं है। मैं सबको नमन करती हूँ क्योंकि मेरा धर्म कहता है अहम ब्रह्मास्मि, हर सब में ब्रह्म है। मैं गुजरात की बेटी हूँ, पहले तो प्रिंस ऑफ राजपिपला यहाँ पे है। मतलब मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि बापू मुझे कथा देंगे, मैं धर्म में कभी आचार्य महामंडलेश्वर बनूंगी, कभी किन्नर अखाड़ा स्थापित होगा। ऋषि अजय दास जी हैं जिन्होंने अपना आश्रम तक हमें दे दिया उज्जैन का, और बहुत हमारा सपोर्ट किया कि हम किन्नर अखाड़े को स्थापित करें और हिंदू सनातन धर्म में जो खोई हुई गरिमा है उसको प्राप्त करें। आज इस शहर में बापू, मैं बताती हूँ, मेरा चलना मुश्किल था, लोग क्या क्या नहीं करके चिढ़ाते थे। इसके लिए मैंने बापू के चरणों में वंदन करी कि अगर कथा किन्नरों की हो तो वो थाने में होना चाहिए। कि आज समाज को तो पता चले कि बापू के मुख से निकलते हुए हर एक मोती को अगर आप पिरो के अपने हृदय में रखेंगे तो हमारा ये शहर या पूरा भारतवर्ष एक अलग भारतवर्ष होगा। मैं भी माँ के कोख से पैदा हुई हूँ, उसके 36 नस से मैंने दूध पिया है, मेरा भी बचपन आंगन में खेला कूदा है। मेरे माँ बाप ने मुझे घर से बाहर नहीं निकाला, इतनी भाग्यवान थी, इसके लिए मुझे अपना शरीर कभी नहीं बेचना पड़ा या सिग्नल पे खड़े होकर भीख नहीं मांगना पड़ा या मुझे और भी कुछ करना नहीं पड़ा। पर मेरी जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं, मेरे पूरा अखाड़ा और मेरे जितने लोग बैठे हैं, सबकी कहानियाँ अलग अलग हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, पर बापू को जब पहली बार गुरु पूर्णिमा के दिन मैं जिद करके गई, बापू हूँ आऊ छू, बापू बोले नहीं नहीं हूँ मुंबई में आवेश तो मरसो। नहीं बोले नहीं रे बाबा, अभी बापू ने बोल दिया मिलने का तो मैं चल दी। तो मैं अथर्व और पवित्रा भाग के गए गुरु पूर्णिमा के दिन, और बापू को देखते ही मतलब मैं बड़ी उद्दंड बोली है मेरी, अब थोड़ी सी अब ये सीधी सादी लक्ष्मी आपके सामने है ना, तो पहले मतलब और भी चंचल थी, अभी तो आचार्य महामंडलेश्वर की वो गरिमा को संभालती हूँ तो थोड़ी सीधी हो गई हूँ, है ना, मुझे माफ़ कीजिएगा बापू, है ना, आप भी पिताश्री। पर मैं बापू को देखी, मैं बहुत सब मैं नाम नहीं लेना चाहती व्यासपीठ से, सभी आदरणीय हैं, मेरा इच्छा किसी से नहीं। तो बापू को देखते ही मैंने बोला, इस कलयुग में हर युग का अपना रामायण है जहाँ तक मेरी बुद्धि कहती है, और इस युग के राम हमारे बापू और हम अहिल्या हैं। मेरा पूरा समाज अहिल्या बन के टकटकी लगाए बैठा था कि कोई तो आके स्पर्श करे, और आज 2 साल पहले मेरे बापू ने मुझे स्पर्श किया और हम लोगों को जीवित किया। 2 साल पहले गुरु पूर्णिमा में बापू ने स्पर्श किया, मुझे ऋषि अजय दास मिले, मुझे शंकराचार्य मिले, मुझे ये सारे किन्नरगण मिले जो मेरा साथ दिए। ये कथा करना इतना आसान नहीं है जबकि मैं खुद थाने की हूँ, मैं पूरी दुनिया घूमी हूँ। हमारी विजय फॉर द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर वी हैव स्पोकन, पर मुझे अभी भी पता है कि प्रवीण जी, नरेश जी या किरिट भाई, भावेश जी को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है यहाँ तक कि देखने के लिए कि हमें ठहराया कहाँ जाए। मतलब कितनी कटुता, और क्यों? क्योंकि हम ऐसे ही हैं और ऐसे ही जीना चाहते हैं। हम दोहरी जिंदगी कभी नहीं जीते किन्नर, और बापू ने मुझे सरलता से अपनाया। मेरा रोम रोम कृदाक है मेरे पूरे समाज का कि बापू आपने ये कथा हमें दी।
और आने वाली हजार पीढ़ियां याद करेंगी कि मानस की वो बोलियां और जिसके मुख से निकली मेरे इस युग के राम से। बापू कोटि कोटि प्रणाम मैं आपके चरणों में करती हूँ। और बस बेटी बाप से क्या बोले, आई लव यू जस्ट बापू। नमस्कार, नमो नारायण।